नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित NRHM कर्मियों ने बुधवार की शाम गढ़वा स्वास्थ्य विभाग के लेखा प्रबंधक अरविंद कुमार अकेला की COVID-19 के कार्य के दौरान हुई मृत्यु पर सरकार द्वारा घोषित COVID-19 के तहत बीमा राशि का भुगतान करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च अनुमंडलीय अस्पताल परिसर से निकलकर प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर तक गया, पुनः वापस अस्पताल परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। कैंडल मार्च में NRHM कर्मचारियों के साथ अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी सहित अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत NRHM के लेखा प्रबंधक करुणा कुमारी ने कहा कि अरविंद अकेला की आकस्मिक निधन तथा सरकार की अपेक्षापूर्ण रवैये से हम सभी NRHM कर्मी ममहारत हैं। उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च निकालकर सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप COVID-19 के तहत अरविंद कुमार अकेला के परिजन को 50 लाख रुपए का भुगतान कराई जाए। यदि सरकार व स्वास्थ्य विभाग इनकी मांगों को नहीं मानती है तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि COVID-19 की लड़ाई का बड़ा दायित्व NRHM कर्मियों पर है, जिसे हम बखूबी निभा रहे हैं। कैंडल मार्च में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर कौसर आलम, CHO दिनेश कुमार, राजेश सिन्हा, अशफाक अहमद, राजू कुमार, ANM ममता कुमारी, नीलम कुमारी, इंदु कुमारी, गरिमा सिंह, संचरिया कुमारी सहित कई अन्य कर्मी मौजूद थे। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी न भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।